भी नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक हमारे मुनि जी थे, थोड़ा मानसिक भ्रम हो गया था उनको, किसी बीमारी के कारण या कुछ हो गया। मैं उन दिनों मुनि अवस्था में था, पर फिर भी बहुत समस्याएं मेरे सामने आती थी। मुनि जी आए और बोले कि वे दो बात कर रहे थे, मेरे बारे में बात कर रहे थे। एक बार नहीं, अनेक बार उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, तुम इतने कौन से बड़े आदमी हो जो सारी दुनिया तुम्हारे बारे में बात करे। इतना कोई बड़ा आदमी हो जिसके बारे में सारी दुनिया बात करे और हर समय तुम्हारी बात करे। पर उनके मन में एक संदेह पैदा हो गया कि जहां भी दो देखते कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। यथार्थ है कि जहां दो है वहां संदेह पैदा हो जाता है। तो हम इन दो शब्दों को पकड़ लें, एक और अनेक। अनेक है वहां समस्याएं शुरू होती है। जितनी समस्याएं हैं हम एक एक का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि दो है वह समस्या हो गई। और आदमी अकेला होने का प्रयत्न करता है पर दूसरा आगे रहता है, समस्या से छुटकारा नहीं होता। पति पत्नी में खूब गहरी लड़ाई हो गई। पत्नी रूठ कर बोली कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं मेरे मायके में चली जाऊंगी। पति बोला, मैं भी कैसे रह सकता हूं, मैं मेरे ससुराल में चला जाऊंगा। तो लड़का बोला, मैं अकेला क्या करूंगा, मैं मेरे ननिहाल में चला जाऊंगा। अब मायका, मायके में पीहर, ससुराल और ननिहाल, सब तो तीन हो गए, तात्पर्य में स्थान तो एक ही रहा। स्थान एक रहा, एक स्थान में जाए, एक रहे, शायद समस्या नहीं होती। पर जहां अलग हो गया, समस्या पैदा हो गई। बहुत सारी समस्याएं संदेह के कारण होती है। सोचता है कि मेरे सामने कोई बात आई, संभवतः उस व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ कहा है। संदेह, पूछा गया, प्रमाण बताओ, कि प्रमाण तो नहीं पर मुझे लगता है कि उसी ने कहा मेरे बारे में। सारा संदेह के कारण पारस्परिक कटुता पैदा हो जाती है। एक मन में काल्पनिक भय भी होता है, भय कि पता नहीं वह मेरे बारे में क्या करेगा, क्या कहेगा, क्या सोचेगा, एक भय होता है। एक प्रकार से भय और संदेह बहुत निकट आ जाते हैं। यद्यपि दोनों का क्षेत्र अलग है, भय का क्षेत्र अलग है, संदेह का क्षेत्र अलग है, पर दोनों निकट आते हैं। मन में संदेह तो वह दूसरे से डरता रहता है, ये काम मैंने कर लिया, संभव है उसने देख लिया, बस संदेह पैदा हो गया। अब संदेह हो गया तो उसके प्रति भय की भावना हो गई, उससे डरता रहेगा। हमारे व्यवहार की
मधुरता में बाधा डालने वाले ये दो कारक तत्व हैं, संदेह और भय। परस्पर में अच्छा व्यवहार है, अच्छे संबंध है, और अच्छा संबंध और अच्छा व्यवहार, जहां संबंध अच्छा वहां व्यवहार भी अच्छा होगा, दोनों जुड़े हुए हैं। अब किसी को दूर करना हो तो उसका बढ़िया तरीका है संदेह पैदा कर दो, बस दो में खाई खाई आपको लंबी चौड़ी खोदने की जरूरत नहीं, संदेह पैदा करो और एक विशाल खाई बीच में पैदा हो जाएगी। भरत का दूत जब बाहुबली के पास गया और उसने कहा कि बाहुबली आप बहुत शक्तिशाली हैं, पर भरत आपका बड़ा भाई है और भगवान ऋषभ ने उसको राज्याभिषिक्त किया है, तो आपको उनके पास जाकर उनकी विनती प्रणति करनी चाहिए। बहुत लंबा संवाद चला है दूत और बाहुबली का। आखिर में संवाद के अंत में बाहुबली कहते हैं कि दूत तू बड़ा बाग चतुर है, पर तू एक बात को नहीं समझता कि हम दोनों भाई है, हमारी बीच में दूरी नहीं है, कोई दूरी नहीं है, पर लगता है कि किसी चुगल ने भरत के मन में संदेह पैदा कर दिया, चुगली खाई है, संदेह पैदा कर दिया और दूरी हो गई है। सरिदस्तु जलाधिकांतरा, दूत भरत है अयोध्या में और मैं हूं तक्षशिला में, हमारी बीच में पहाड़ है, नदियां है, सब भले हो, कोई चिंता की बात नहीं, पूरी सिंधु नदी आ जाती है बीच में। सरिदस्तु जलाधिकांतरा, सब बीच में आ जाए, पिशुनो मास्तु किलांतरावयो, बस एक ही बात भरत को कह देना कि भाई अपने बीच में दूरी है, पहाड़ है, नदियां है, शहर है, गांव है, सब है, पर पिशुनो मास्तु किलांतरावयो, हम दोनों के बीच में कोई चुगल नहीं आना चाहिए। बस चुगल नहीं है तो ये क्षेत्रीय दूरी हमारी दूरी नहीं होगी, कितना ही दूर चला जाए, किंतु यो यस्य हृदय स्थित है, जो जिसके हृदय में स्थित है, क्षेत्रीय दूरी होने पर भी वह दूर नहीं होता, और जिसके हृदय में स्थित नहीं है तो पास में बैठा है तो भी बहुत दूरी है, इतनी बड़ी खाई हो जाती है। संदेह पैदा न हो, एक सामान्य आदमी के लिए भी जरूरी है कि परस्पर में संदेह न करें, और संदेह के कारण ही पारिवारिक कलह होते हैं, संदेह के कारण ही संगठनों का विघटन होता है, बहुत खतरनाक होता है यह संदेह, जो व्यवहार को बिल्कुल कलुषित कर देता है। जो साधक व्यक्ति है उनका क्या काम है, एक सामाजिक प्राणी का, अच्छे सामाजिक का भी नहीं, जहां जहां कूटनीति की जरूरत हो, जहां कोई आपदा से निकलना हो, वहां तो विशेष स्थिति में आपद धर्म के रूप में उसका प्रयोग करते थे, किंतु यह सामान्य नहीं है कि किसी के प्रति संदेह पैदा करो, तो साधना के क्षेत्र में तो सर्वथा वर्जित है और एक निंदनीय कर्म है कि दूसरे व्यक्ति के मन में संदेह पैदा कर और दोनों को अलग अलग कर दो। ये व्यवहार का एक वर्जनीय सूत्र है, अच्छा व्यवहार, अच्छे संबंध, संबंध और व्यवहार, संबंध के साथ व्यवहार होता है, पहले संबंध का निर्धारण और फिर व्यवहार का निर्धारण, कि संबंध कैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार होगा।
तो यह संदेह एक वर्जनीय है। जो भी व्यक्ति एक पवित्र व्यवहार करना चाहता है और जिसका व्यवहार अध्यात्म से धर्म से ओतक प्रोत होता है, वह कभी भी संदेह के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। और यह होना चाहिए कि हम संदेह पैदा न करें किसी के प्रति। दूसरी बात है भय, भय पैदा न करें, भय न डरे नहीं। कितना सुंदर सूत्र है, नो भाये नो ये भाव्यप्पा, डरो मत डराओ मत, न तो स्वयं डरो न किसी दूसरे को डराओ। यह दसवीं कालिक का एक अमूल्य वाक्य है और व्यवहार का बड़ा सुंदर सूत्र है कि न तो डरो न डराओ। जो डर पैदा करता है वहां भी व्यवहार कटु हो जाता है। डरता है तो भी होता है, डराता है तो भी व्यवहार टूट जाता है। अच्छा व्यवहार मधुर व्यवहार के लिए जरूरी है कि परस्पर में अभय का व्यवहार रहे, बर्ताव और वातावरण रहे अभय, न डरता है न किसी को डराता है, पूरा अभय का वातावरण। ये दो सूत्र जो अध्यात्म के सूत्र है, धर्म के सूत्र है या नैतिकता के सूत्र है कि संदेह पैदा मत करो, स्वयं भी मत करो, दूसरे के को भी संदेह में मत डालो और भय भी मत करो, अभय रहो। नो भाई अब्बम, मुनि का आचार बतलाया गया, उसका एक सूत्र है नो भाई अब्बम मा भेतब्बम, मा भेतब्बम डरो मत। डरोगे तो तुम्हारी आदि शक्ति तो पहले ही निकम्मी चली जाएगी। न डरो न लड़ो, निवृत्त रहो, शांत रहो, शांत रहो। एक प्रसिद्ध बात लोगों में चलती है, लौकिक बात है कि कोई आदमी जा रहा है, रात का समय है, 12 बजे का समय, सामने कोई भूत प्रेत आत्मा मिल गई, सामने आ रही है, अब डरोगे तो अपने आप मर जाओगे। तो फिर क्या करें, लड़े? क्या लड़ोगे तो हार जाओगे, डरो तो डरोगे तो मर जाओगे, लड़ोगे तो हार जाओगे, क्या करें? कायोत्सर, बस कायोत्सर कर खड़े हो जाओ, शिथिल खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आदमी जब प्रवृत्ति में होता है तब कोई दूसरा आक्रमण कर सकता है। निवृत्ति इतनी शक्तिशाली है कि दूसरे की शक्ति नहीं रहती, एक ऐसा उसका आभा मंडल बन जाता है कि दूसरा कुछ कर नहीं पाता। डरो मत, लड़ोगे तो एक नियम है कि प्रेत आत्मा के साथ लड़ोगे तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, तुम्हारी शक्ति उसमें चली जाएगी, इसलिए तो लड़ो मत। बहुत जगह लड़ते हैं ना, वहाँ ऐसा होता है कि स्वयं की शक्ति कमजोर होकर उसमें चली जाती है। और डरो भी मत, खड़े हो जाओ। शायद यही अविभव कायोत्सर्ग है, अविभव कायोत्सर्ग। जब अविभव कायोत्सर्ग करते हैं, खड़ा हो गया, डरता नहीं है और अपना जप शुरू कर दिया, तो तुम्हारा प्रेत आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगी। तो हम व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं और आज व्यवहार के दो सूत्रों पर हमने चर्चा की कि हमारा मधुर व्यवहार रहे, कटु व्यवहार न बने, एक दूसरे को सुख देने वाला व्यवहार रहे, दुख देने वाला व्यवहार न बने, कष्टदायी व्यवहार न बने किंतु सुखदायी व्यवहार बने। यह तो एक लक्ष्य हो गया, पर वह कैसे हो सकता है? हमें पहले बाधक तत्वों पर विचार करना चाहिए और जब बाधक तत्वों पर विचार करते हैं तो व्यवहार, अच्छे व्यवहार या सुखद व्यवहार के बाधक तत्व, दो बड़े बाधक तत्व हैं, ये संदेह और भय, बहुत बड़े बाधक तत्व हैं। हम ऐसी प्रकृति का निर्माण करें कि हमारी प्रकृति संशयालु न हो, संदेह वाली न हो,
सुंदर वाक्य है गीता के साथ चलता है कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है वह नष्ट हो जाएगी। संशय मत करो, संशय से बचो, संदेह से बचो। संदेह बार आदत होती है कईयों की। हमारे एक मुनि जी थे, हमारी क्रिया का एक अंग है प्रतिलेखन, यानी कपड़ों को देखना कहीं कहीं कपड़ों में जीव जंतु तो न हो। अब एक पछेवड़ी ले ली और एक बार देखा बात समाप्त है, वे शायद 10 बार देखते, एक बार प्रतिलेखन कर लिया 2 मिनट बाद फिर करते। संतों ने पूछा कि क्या कर रहे, तो कर लिया, कहने भी मुझे याद नहीं किया, नहीं किया, संदेह होता रहता। दूसरों को प्रतिलेखन के सामाचारी का में अगर 20 मिनट लगता तो उनको 1 घंटा लग जाता, अंत ही नहीं होता। और आदत तब होती है, हाथ धोया, मैंने हाथ धोया कि नहीं, फिर धोना शुरू कर दिया, तीसरी बार फिर धोना शुरू कर दिया, चौथी बार शुरू कर दिया कि धोया कि नहीं धोया। अब संदेह का कोई अंत नहीं होता, पानी का तो अंत हो सकता है पर संदेह का तो अंत नहीं होता। ये संदेह की जो प्रकृति है बहुत खतरनाक प्रकृति है, इससे व्यवहार बड़ा कलुषित हो जाता है। इसलिए जिसमें संदेह की आदत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसे सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये संदेह ही समस्या पैदा कर रहा है, इसलिए मैं इस प्रकृति को बदलूं, बदलने का अभ्यास करूं, ये बाधक बन रहा है। संदेह का कहीं अंत नहीं होता। दूसरी बात भय की है, यह भी एक प्रकृति है डरने की। कभी कभी तो भय का कारण हो सकता है, पर बहुत बार आदमी बिना कारण डरता है, बिना कारण, प्रकृति के कारण। पूज्य गुरुदेव लाडनू में विराज रहे थे, उस समय जैन विश्व भारती नहीं थी, शहर में जो हवेली है, बड़ी हवेलियां हैं दो, वह हम लोग रहते थे। 2 हवेलियां हैं, एक हवेली में एक मुनि जी रात को सो रहे थे, और वह नीचे पीर जी का स्थान है जहाँ हम रहते हैं, और वे पीर जी बड़े सहायक माने जाते हैं। तो और यह भी प्रचलित बात थी कि रात्रि के समय पीर जी इन हवेलियों में घूमते हैं, यह भी धारणा थी। तो हमारे एक मुनि जी सो रहे थे, रात को उठे और देखा सामने तो पीर जी बैठे, डर गए थोड़े, डर गए और सोचा कि पीर जी बैठे हैं क्या करें। अब थोड़ी देर बाद फिर संभले कि मुझे डर किस बात का है, क्या है, पीर जी है तो है, अच्छा है बैठे है तो मैं जाकर बात करूं। आज थोड़ा संभाला, भय को कम किया और गए पास में जाकर, और उसका अपना रजोगुण लगाया, ऐसे रजोगुण लगाया तो कोई ऐसे पात्र पड़े थे, ऊपर सफेद कपड़ा ढका हुआ था, पात्र अलग हुआ, फिर जी बात पूरी हो गई। हमें बहुत सारी स्थितियों के कारण भी भय पैदा होता है, बाहरी कोई कारण ऐसा बनता है, हम मान लेते हैं कि ये अमुक है अमुक है, और पास में जाकर देखते हैं तो बस दूध का दूध दरु, पानी का पानी अलग हो जाता है, विवेचन हो जाता है सारा। तो भय भी बड़ा कारण बनता है, और शायद संतराश देने वाला, दुख देने वाला बहुत बड़ा कारण भय है। हम अच्छा व्यवहार परस्पर का करना चाहें, परस्परता को अच्छा बनाना चाहें, एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहें, तो इन 2 पर पहले विचार करें, 2 की प्रकृति को परिवर्तन करें, भय की प्रकृति और संदेह की प्रकृति। इन 2 बाधक तत्वों पर हम अगर विजय पा लें और इनसे छुट्टी पा लें, तो फिर मधुर व्यवहार की, पारस्परिक अच्छे संबंधों की भूमिका हमारी तैयार हो जाती है,
तो साधना करने वाले भी विचार करें कि ध्यान करते हैं, अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, सारा करते हैं, पर किस लिए? आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मोह का उन्मूलन। और ये भय और मोह का एक प्रकार है, मोह पैदा करने वाला है और समस्या भी पैदा करने वाला है। तो साधना का ये लक्ष्य बने कि मुझे अभय बनना है और संदेह की बेड़ियों से मुक्त होना है। ये अपने हाथ से आदमी बेड़ी बनाता है। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं, बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग है, कि एक लोहार था, वह बेड़ियां बनाता था, पर उसकी बेड़ियों की विशेषता थी कि दूसरी बेड़ियां तो कोई शक्तिशाली आदमी तोड़ भी देता या कैसे जैसे तैसे खोल देता, वह इतनी मजबूत बेड़ी बनाता था कि कोई उसे न खोल सकता न तोड़ सकता, कितना ही शक्तिशाली आदमी हो। प्रसिद्ध था इस मामले। एक बार किसी शत्रु राजा ने उस नगर पर आक्रमण किया और जितने भी कारीगर कार्मिक काम करने वाले और व्यापारी थे सबको जेल में डाल दिया, सबके हाथ में बेड़ियां डाल दी। अब उस लोहार के हाथ में भी बेड़ी डाल दी। उसने सोचा क्या है, मैं तो बहुत जानता हूं, खोल दूंगा इसको, खोल दूंगा। पर आखिर देखा, अरे ये तो मेरे ही हाथ की बनाई हुई बेड़ी है, अब तो खुलने का सवाल ही नहीं है। अपने हाथ से बनाई हुई मजबूत बेड़ी अपने लिए बंधन बन गई। अगर दूसरे की हाथ की होती तो वह तोड़ देता। आदमी अपने ही हाथ से ऐसी मजबूत बेड़ी बनाता है भय और संदेह के द्वारा कि स्वयं भी उसे खोल नहीं सकता। इसलिए हम चिंतन करें, क्योंकि व्यवहार हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। साधना, अध्यात्म, धर्म, ये सारी बातें बाद में रहती है। पहले तो दो आदमियों के साथ रोज पाना पड़ता है, पाला पड़ता है, और अगर अच्छा व्यवहार नहीं है तो सूर्योदय बाद में होता है, लड़ाई पहले शुरू हो जाती है। सूरज को देखता नहीं कि सूरज उगा या नहीं उगा, तो वह जीवन फिर कैसा जीवन होता है। इसलिए सबसे पहले हम ये करें कि धर्म के द्वारा हमें कुछ पाना है तो ये पाए कि साधना के द्वारा हमारा व्यवहार परिष्कृत हो, मधुर बने, यह लक्ष्य बन गए तो फिर ये जो बाधक तत्व हैं जिनमें आज दो का उल्लेख किया, संदेह और भय, उनको निरस्त करने की साधना करें, तो मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति के लिए यह सामूहिक जीवन, सामुदायिक जीवन एक आनंद देने वाला और स्वर्गीय जीवन बन सकता है। और जहाँ भय और संदेह का वातावरण चलता है वहाँ एक नारकीय जीवन बन जाता है। इन दोनों का विश्लेषण कर हम ऐसा करें कि कैसे हम किस साधना के द्वारा भय और संदेह को दूर रख सके। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु।